अपन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब पहले मैं इसकी आपको बेसिक बता रहा हूँ कि वैसे मैं डायरेक्टली फार्मूला याद करा दूँ आपको तो इसका फार्मूला होता है पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्ट्रक्चर। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स या जीरोस। सम ऑफ जीरोस कौन होते हैं सम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के? दो, अल्फा और बीटा। तो इनका जो सम होता है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इसका जो सम होगा दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस की बात करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा। और पी फॉर प्रोडक्ट, तो यदि हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बच्चों, तो क्या आएगा हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा। तो दो बातें यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो आप चाहें तो इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पुट कर रहे हो तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ठीक है ना, ये आपने फार्मूला बना लिया। अब ये रटवा दिया मैंने आपको, अभी तो फिलहाल आपको मैंने ये रटवाया है। अब मैं इसको आपको बनाना सिखा रहा हूँ। कैसे बनाना सकते हो भाई? आप जानते हो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसके दो रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं? दो रूट होते हैं। एक रूट कहलाता है अल्फा और एक रूट कहलाता है बीटा। ये आपने पढ़ा ही होगा। अगर अल्फा रूट है तो फैक्टर क्या बनता है बेटा? एक्स माइनस अल्फा। और बीटा अगर रूट है तो फैक्टर क्या बनता है? एक्स माइनस बीटा। नहीं बेटा, माइनस बनेगा ना, इसको इधर लेके आओगे, हाँ या ना? माइनस में ही जाएगा फैक्टर, समझ गए ना? ये है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये जो बन गया अभी इससे बना रहे हैं क्वाड्रेटिक, समझ गए ना? दो फैक्टर आपको दिए गए हैं, दो फैक्टर आपको दिए गए हैं, क्लियर है? तो दो फैक्टर, तो फिर क्यूबिक बनेगा या बाई क्वाड्रेटिक बनेगा? पावर ज़्यादा हो जाएंगी ना अभी, ये दोनों उसमें नहीं, नहीं क्यों नहीं हो सकते हैं? मतलब ज़्यादा रूट्स होंगे ना तब तो। अगर आपके पास पावर टू का पॉलीनोमियल है तो कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम टू रूट्स। पावर थ्री का पॉलीनोमियल मतलब कितने रूट्स? थ्री रूट्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर पावर टू का है तो पावर टू के तो मैक्सिमम टू रूट ही निकलेंगे ना। तो एक बन गया फैक्टर एक्स माइनस अल्फा, एक बन गया एक्स माइनस बीटा। यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए प्लीज़। एक रूट अल्फा, अल्फा से फैक्टर क्या बनेगा? एक्स माइनस अल्फा। एक रूट बीटा, तो बीटा का फैक्टर क्या बनेगा? एक्स माइनस बीटा। सक्षम नहीं हो रहा, क्लियर? क्या एक रूट अल्फा तो एक्स माइनस अल्फा, एक रूट बीटा तो एक्स माइनस बीटा। अगर एक रूट आपके पास टू होगा तो फैक्टर क्या बनेगा? एक्स माइनस टू। एक रूट आपके पास अगर थ्री होगा तो फैक्टर क्या बनेगा? एक्स माइनस थ्री। सिंपल है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गए आपके फैक्टर। अब भाई ये पावर वन है, पावर वन है, बट आपके पास क्वाड्रेटिक की पावर क्या होती है? टू। तो क्या करना पड़ेगा? इनको मल्टीप्लाई कर दो तो पावर टू का बन जाएगा। तो चलो अगर पॉलीनोमियल बनाना है आपको तो आप मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा। आ रहा समझ में? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स का एक्स के साथ क्या हो गया? एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स का बीटा के साथ माइनस बीटा एक्स। देख लो भाई, क्योंकि एक्स प्लस में है और बीटा माइनस में, माइनस बीटा एक्स। माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स क्या हो गया बेटा? माइनस अल्फ़ा एक्स। माइनस अल्फ़ा एक्स होगा ना, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स। एंड माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू क्या? प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर है बच्चों? ये हो गया एक्स स्क्वायर। अगर हम माइनस कॉमन ले लो, एक्स भी कॉमन ले लो, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? बीटा प्लस का। क्यों बचेगा प्लस का? क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले रखा है। और अल्फ़ा प्लस का, बीटा प्लस अल्फ़ा, प्लस क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आ गया आपका पॉलीनोमियल। और मैंने जो आपको लिखाया था वो यही तो था। ऊपर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, या बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या? एक्स। ये इंटू में लगा हुआ एक्स, यहाँ पहले लगा दिया, वहाँ बाद में लगा दिया, बात तो बराबर है। इंटू अल्फ़ा बीटा, समझ में आया ना? तो वेल, आपको केवल इसकी ज़रूरत है, बस इसकी ज़रूरत है। आपको ये सब नहीं पता करना है, कैसे करना है ये सब मतलब नहीं है आपको। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, समझ में आया? अब इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? तो पहले ये फार्मूला आप याद कर लो। फार्मूला क्या है? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है इतना? अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड, अच्छा एक बात मैं आपको और बताना भूल गया,
आप यहाँ पर यदि किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर का, तो उससे पॉलिनोमियल के टाइप में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब रूट्स वही रहेंगे अल्फ़ा और बीटा। आपके पास फुल राइट्स हैं कि आप यहाँ पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके रूट्स अल्फ़ा और बीटा ही रहेंगे, डोंट वरी। मल्टीप्लाई करने से किसी इक्वेशन में किसी नंबर का थ्रू आउट मल्टीप्लाई, मतलब पूरे में मल्टीप्लाई करने से कभी रूट्स बदलते नहीं है, ओके वही रहते हैं। चलो देखो एग्जांपल, एक क्वेश्चन ये कि आपके पास एक पॉलिनोमियल बनाओ, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके रूट्स दिए गए हैं 2 और 3, मतलब एक रूट दिया गया है 2 और दूसरा रूट क्या दिया गया है 3। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है, ओके। तो 2 और 3 दो रूट दिए गए हैं, अपन को बनाना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बनेगा पी एक्स इक्वल टू, समझ गए, के लगाना हो लगा दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, कौन है रूट्स 2 और 3, तो दोनों को जोड़ दो 2 + 3 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कौन है रूट्स 2 और 3, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 6। तो आपके पास आंसर आएगा पी के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 6। ये आपके पास आ गया पॉलिनोमियल, क्लियर है? हाँ, आप लास्ट में आप देखो सिंपल रखने के लिए k की वैल्यू अपने मन से 1 ले सकते हो, अपने मन से, क्योंकि ये इसको सिंपल कर देगा। देन फाइनली यू विल हैव द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 6। क्लियर हुआ, बन जाएगा, आ गया समझ में? नहीं आया, आ गया ना? एक बात और, बस इस पे अप्लाई होता है, ओके। किस पे? पावर 2 वाले में, पावर 2 वाले में, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में, यस। बट एक क्वेश्चन और हो सकता है, आपको बोला गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसमें सम ऑफ द जीरोज आपके पास हैं 2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है 3। देखो भाई, ये क्वेश्चन पिछले वाले से अलग है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए थे एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर मैंने आपको रूट्स दिए हैं 2 और 3, और यहाँ पर मैंने सम ऑफ द रूट्स दिया है 2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है 3, मतलब अब आप इनको जोड़ना नहीं है, ट्रिकी बना दिया। हाँ, ट्रिकी बना दिया। तो मतलब फार्मूला क्या होता है अपने पास, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करूँ 2 और 3 को जोड़ दूँ? नो, सम ऑफ द रूट डायरेक्टली क्या दिया है 2, तो यहाँ पे 2 ही रख दो। 2015 में जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चों ने जोड़ दिया डायरेक्टली, है ना, क्योंकि वो इसको पढ़ के गए थे बिल्कुल, तो वही धुन में गए और जा करके दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2x प्लस कितना 3, ये आ गया पॉलिनोमियल। देख लो दोनों पॉलिनोमियल अलग अलग हैं, पिछले बार आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या बेटा? नहीं, तो रीचेक बाद में जब घर में आए तब पता चला कि हमने गलतियाँ करी हैं, बट तब तक तो पेपर जा चुका था, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कई बार क्या होता है, बहुत सारी सभी आदमी से होती है मिस्टेक कि आप वह बनता हुआ है, आप गलती करके आते हो, सबसे होती है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बनता हुआ हर कोई सही करके आता है, गलती हो जाती है, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। दो तरीके के ही क्वेश्चन बन सकते हैं अपने पास, एक आप तो रूट दिया है तो इक्वेशन बनाओ, दूसरा सम ऑफ द जीरोज़ दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ दिया है तो इक्वेशन बनाओ। इसमें केवल 2 कैटेगरी बनती हैं, मेरी बात आ रही समझ में? यस सर। ओके, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके।